बेस्ट भाई 85 लोग देख पाएंगे मैं लिंक देते रहूंगा बट स्टिल जल्दी ज्वाइन हो जाना तो एकेजी डिस्कॉर्ड सर्वर पे तुमको देखने को मिल जाएगा। लिंक विंक क्लिक के उधर जाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच गाइस। दिस मैच इज गोना बी रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉज भाई साहब इट्स ग्रेनाडा अहेड ऑफ अस। ऑल दो अगर हम स्टैटिस्टिक्स पे देखें, अगर हम टेबल में देखें तो भाई साहब ग्रेनाडा अभी 8th ऑन द टेबल है। स्टैट्स के बारे में बात करूं, लास्ट 9 बार जब भी बार्सिलोना इनके सामने आई है 8 बार बार्सिलोना जो जीती है। तो जब हम 9 में से 8 गेम्स इनके खिलाफ जीते हैं, लास्ट गेम हमने इनके खिलाफ जनवरी में खेला था एंड वी वॉन 8-4-0 जहाँ पे 2 गोल मेसी के देखने को मिले थे, 2 गोल ग्रीजमैन के देखने को मिलेंगे तो मिले थे। तो मेरे ख्याल से ये मैच बहुत मजा आने वाला है देखने को, तो डू नॉट मिस दिस मैच बिकॉज दिस विल बी अ वेरी गुड वन। टॉकिंग अबाउट ग्रेनाडा फॉर से, ग्रेनाडा जो है वो कोपा डेल रे में अभी लास्ट गेम उनका था अगेंस्ट अ टीम कॉल्ड नेवल्स क्रानेरो, ऐसे करके कोई टीम थी। इस टीम को ग्रेनाडा ने जो है वो 6-0 हराया है। तो एक छोटी टीम को जो थर्ड ईयर स्पेनिश टीम है उसको ये 6-0 हरा के आए हैं सीआरडीआर में आगे बढ़ने के लिए सेमीफाइनल्स में। तो भाई अच्छी तो लगी ग्रेनाडा उस मैच को अगर हम देखें, बट लालीगा में लास्ट 3 मैचेस से दे आर विनलेस, ड्रॉ हुए हैं। लास्ट 9 जनवरी को वो हमसे हारे थे 4-0, उसके बाद विलारियाल से 2-2 हुआ है, ओसासुना से लोग 3-1 हारे हैं, फिर सेल्टा वीगो से 0-0 ड्रॉ हुआ है। तो दे आर विनलेस सिंस लास्ट 3 गेम्स और ये चीज़ जो है वो उनके फॉर्म में एक डिप लेके आया है और ये डिप बहुत गलत समय में आया क्योंकि अगर मैं इनके आगे के फिक्चर्स देखूँ ना तो इट्स एथलेटिको मैड्रिड एंड देन दे आर गोना फेसिंग नापोली एट यूरोपा लीग। तो यूरोपा लीग में भी दे आर क्वालिफाइड एंड दे विल बी फेसिंग नेपोली एज वेल। तो बहुत बड़े गेम्स हैं इनके लिए। बार्सिलोना, इसके बाद एक छोटी कोई टीम है एंड देन क्या बोलते हैं एथलेटिको मैड्रिड एंड देन नापोली। सो बिग गेम्स कमिंग अप फॉर ग्रेनाडा एंड उनके लिए तो ये गेम डिफिकल्ट होगा भाई साहब। टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, वी आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। हम रिसेंटली जो है वो जीतते हुए आए हैं। अगर मैं बात करूँ हमारी लास्ट मैच की, इट वॉज अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ जहाँ पे हम 2-1 निकाल के लेके आए हैं और वो जो विक्ट्री थी आई वॉज रियली हैप्पी विद दैट विक्ट्री क्योंकि वो एथलेटिक बिलबाओ थी और हम उनसे हारे थे सुपर कप में। सो आई रियली वॉन्टेड एंड रिवेंज एंड वी गॉट इट और अच्छे स्टाइल में था। टिकी टाका फुटबॉल हमको देखने को मिला था, उसका डिटेल रिव्यू जो है वो मैंने आपको दिया है चैनल पे, तो आप अगर आप नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। एनीवेज दैट मैच वॉज अ रियली गुड वन इन माई आईज। उससे पहले अगर मैं सीडीआर की फॉर्म के बारे में बात कर लूँ, वी हैव फेस्ड कॉर्नेया, उसके बाद शायद हम लोग रायो वेलकानो से खेले थे। सीडीआर में हम उतनी अच्छी फॉर्म के साथ नहीं है, although we have won all the matches but हम एक dominant क्या बोलते हैं मैच नहीं दे पाए हैं अपने opponent को, वो चाहे छोटी टीम हो वो चाहे अच्छी टीम हो। we haven't performed really you know well at CDR to be really honest। अब वो कप गेम है इसलिए शायद प्रेशर ज़्यादा रहता है प्लेयर्स के ऊपर, but looking that athletic Bilbao वाला गेम आई गेस हम अपने स्ट्राइड पा चुके हैं। इस गेम में हम फाइनली CDR में जो है वो डोमिनेट करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी आर योर फेवरेट्स टू विन CDR दिस टाइम क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड भी बाहर है, रियल मैड्रिड भी बाहर है। सो 2017 के बाद हमारा पहला CDR होगा। प्लीज रोनाल्डो को, आई वांट दिस वन रियली वेरी बैड। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट आवर टीम। हमारे पास सर्जियो बुस्केट्स वापस आ चुका है, हमारे पास सर्जिनियो डेस्ट वापस आ चुका है, हमारे पास बुस्केट्स वापस आ चुका है, रोबर्टो वापस आ चुका है। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हमारे वापस आ चुके हैं। सो लाइनअप कैसी होगी, आई गेस इस मैच में हमको मेसी, ग्रीज़मैन एंड ट्रिनकाओ स्टार्ट करते हुए देखेंगे क्योंकि कोपा डेल रे का मैच है। मिडफील्ड में आई गेस पेद्री को रेस्ट मिलेगा, डियोंग, बुस्केट्स और यहाँ पे रिकी पुच स्टार्ट करते हुए देखेंगे एंड डिफेंस में आई गेस इट विल बी जॉर्डी अल्बा, उमटीटी, रुआहो एंड रोबर्टो स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। रोबर्टो के बदले सर्जिनियो डेस्ट हो सकते हैं स्टार्ट करते हुए दिखे और गोलकीपर हमारा नेटो रहेगा क्योंकि कोपा डेल रे का मैच है। सो आई गेस ये स्टार्टिंग 11 होगी। लेट्स सी क्या होता है। आई एम होपिंग फॉर अ रियली गुड विन एंड अ रियली गुड रिजल्ट। लेट्स होप सो वो हमको देखने को मिले और अगर वो देखने को मिलता है तो भाई मजा ही आ जाएगा, है ना। लेट्स होप फॉर अ रियली गुड विक्ट्री और मेरा प्रेडिक्शन है 3-1 फॉर बार्सिलोना। डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शन डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलता हूँ मैच के वक्त डिस्कॉर्ड सर्वर पे 1:30 AM आ जाना। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आशीष के साथ, टेक केयर, पीस, विस्केल बार्सा, जय।